सो फाइनली अब करते हैं अनबॉक्सिंग इसको। मैं तुम आऊँ पर उस साइड लो। Guys, good morning. Welcome back to my new another fresh vlog. तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि इस व्लॉग में रहने क्या वाला है गाइस। तो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी दिनों से अराउंड 1 मंथ से हम लोगों ने फ्रिज का ऑर्डर जो है दे दिया था एक रेफ्रिजरेटर शॉप के लिए, तो फाइनली आ चुकी है। तो अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा लिया हूँ, और फिलहाल अभी तो मेरा नाश्ता टाइम चल रहा था। और रेफ्रिजरेटर दिखा दूँ तो एक्चुअली वो कल का आ गया है और उसका फर्स्ट अनबॉक्सिंग तो हम लोग कर चुके हैं, बाय द वे फिर से बॉक्स में पैक्ड है तो उसको फिर से अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। फाइनली अपनी रेफ्रिजरेटर जो है ये वाली है, तो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं। और कंपनी देख लो, रॉकवेल कंपनी की है, द रेफ्रिजरेशन कंपनी, मेड इन इंडिया। तो भी गाइस नाश्ता तो मेरा हो गया डन, और बताऊँ आज ना तो आज तो काफ़ी सारे काम करने मेरे को ऐसा लग रहा है। और सबसे फर्स्ट काम तो बाय द वे पीछे रेफ्रिजरेटर है ना, उसके लिए केबल वगैरह कनेक्शन वगैरह फिट करना है, तो उसके लिए हिरमी जाना पड़ेगा। फिर सामान बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ लाना पड़ेगा जो कि मैं अभी नहीं किया हूँ। और बताऊँ तो आज है, मतलब लास्ट वीडियो डाले आज है 4th डे, तो आज मेरे को करना होता है वीडियो एडिट। मैं एक्चुअली कल कर लेता बट कल नहीं कर पाया, तो अभी वीडियो एडिट करके उसको अपलोड भी करना है। अभी का सबसे पहला काम है, अभी तो पेट्रोल लाने के लिए जाना है मेरे को, क्योंकि एक हफ्ते में ना पूरा पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है। और पेट्रोल का रेट बताऊँ तो बाप रे बाप 112 रुपये है। अभी जाके देखते हैं कि अभी कितना चल रहा है। तो अभी पेट्रोल लाने के लिए जाना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भी गाइस पेट्रोल तो ला लिए, इसमें 2300 का, देन गाड़ी में 150 का, और पेट्रोल का रेट देख लो 111 रुपये है, फुल्ली हाई। गाइस वी आर बैक टू होम। बाय द वे मम्मी अभी जा रही है पूजा करने के लिए, आज नवरात्रि कौन सा दिन है, अष्टमी, अष्टमी है आज। तो गांव में महामाया मंदिर है वहां जा रही है। अभी एक वर्क तो हो गया डन, तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, नाइट में ना इसको चार्ज चढ़ाना भूल गया था, मैं स्विच ऑन नहीं किया था, स्विच चक्कर पे चार्ज नहीं चढ़ा रहा हूँ। गाइस अभी 10:25 टाइम हो रहा है, देन मम्मी जो है आगे पूजा करके, बाय द वे आज ये इनका व्रत भी है, तभी तो फिर से अपने सब्जी वाले बनाने वाले काम में लग गई। तो मैं अब फाइनली जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए बोर्ड वगैरह, और दो शॉप के लिए भी सामान लानूंगा, फ्रूटी वगैरह जितने भी ठंडा होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ वो सब चीज़, फीस वगैरह, तो वो सब चीज़ सामान भी लाना है, और इसके लिए वायर बॉक्स भी लाना है। तो अभी चलते हैं। एक्चुअली जहाँ से हम लोग ये फ्रिज लिए हैं ना, वही है डीलर जो है, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक की शॉप अच्छी है तो पहचान के है, तो वही हमारे मेन डीलर है जो मंगवाए हैं, तो उनको इनका थोड़ा पैसा बचा उसका पैसा भी पेड करना है और सामान भी लेके आना है। सुबह गए सिर में पहुँच चुके हैं, देन ये थैला ला लिया था मैं, क्या है फ्रूटी वगैरह ले जाने के लिए। देन पीछे शॉप दिख रही ना गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहीं से मेन डील हमारा। सो भी गाइस ये बोर्ड लिया मैंने एंकर का, और देन ये वायर, अब दोनों को फिलहाल तो इसमें डाल लेता हूँ, ये थैले में डाल लिए बोर्ड वगैरह को। अब इनका एक डिपार्ट है और, मतलब इन्हीं की दुकान है जो चली गई है आगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। सो भी गाइस देख लो ये पीछे है इनकी ये वाली शॉप कोल्ड ड्रिंक, सो कोल्ड ड्रिंक्स का काफ़ी स्टोरेज है देख लो यहाँ पर। तो फिलहाल तो मैंने बातें वगैरह की, और स्प्राइट, थम्सअप, फीस, ये सब चीज़ के डिब्बे जो है अलग अलग लीटर वाले साइज के, तो मैं फिलहाल चूज़ कर रहा हूँ, तो सामान जो है निकल रहा है। सभी गाइस फाइनली मैं तो 2 थैला लाया था, दोनों भर गए, तो इसको एक बार मैं छोड़ के आ रहा हूँ, देन इसके लिए एक बार और आना पड़ेगा मेरे को, तो अभी चलते हैं फिर। साढ़े 10। सो मम्मी निकालो सामान को। सो आ गई दिशा भी, आ गई बाय द वे स्कूल से, कैसा लग रहा है? मस्त। घर में सभी अभी हैप्पी है। बाय द वे अभी और जाना पड़ेगा मैं, तो मिठाई वगैरह भी लेके आऊंगा। चल चलते हैं, दिशा आ गई है तो दिशा ही कोई लेके जाऊंगा, चल। सो गाइस अभी बज रहे हैं 1, और देन फाइनली अभी हम लोग 2 बार और गए, देन अब हमारा सारा सामान आ चुका है, स्प्राइट, माजा वगैरह, फ्रूटी वूटी, ये सब भी चीज़
अब देन अब फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं रेफ्रिजरेटर का और आपको दिखाता हूँ मैं। सो भी गाइस फाइनली ये है अपना फ्रिज और रेफ्रिजरेटर। बाय द वे बता दूं ये तो डीप फ्रीजर वाला है और फिर इसका डिटेल्स देता हूँ और इसकी प्राइस भी सबसे पहले ओपन कर लेते हैं देन उसके बाद रिव्यू करेंगे। सो फाइनली अब करते हैं अनबॉक्सिंग इसको। Just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, 'cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. So guys, ये है अपना फ्रिज और देख लो इसके अंदर ये इस तरह से गेट ओपन तो ये देख लो। और इसकी कैपेसिटी बताऊं तो 310 लीटर की कैपेसिटी वाला है ये। और हाँ गाइस, ये सिर्फ फ्रीज़र है, मतलब इस पर एकदम इस पर बर्फ़ नहीं जम पाएगी, तो ये मात्र कूलिंग करने वाला है, इस पर बर्फ़ नहीं जम पाएगी। ये बर्फ़ जमने वाला नहीं है, हम लोगों ने ऐसा नहीं लिया, एक्चुअली पापा बात करके लिए तो फिर यही वाला लिए। सो गाइस यही रेफ्रिजरेटर है और अच्छा है बाय द वे। और इसकी प्राइस पड़ी हम लोगों को 26,000 और इस पर एक्चुअली बर्फ़ नहीं जम पाएगी, बर्फ़ बनाने के लिए नहीं है, मात्र कूलिंग करने के लिए है, तो इसमें कूल रहेगा सब चीज़ और एकदम ठोस, मतलब बर्फ़ नहीं जम पाएगी, तो यही वाला सिस्टम है। और बाय द वे बताऊँ तो अगर वो वाला लेते उसमें भी आता है वो वाला वेरिएंट, बस वो काफ़ी महंगा मिलता, तो हम लोगों का बजट नहीं था उतना फिलहाल, सो इसी वाला लिए हैं और शॉप के लिए ज़रूरी था। सो और अभी बताऊँ तो अभी ना गांव में लाइट बंद है, पाँच बार हो गया लाइट बंद होते। तो अभी तो पापा जी भी आ गए, अब खाना खाते हैं, उसके बाद इसका जो है मैं कनेक्शन करूँगा और फिर इसको करेंगे ऑन। सो भी गाइस निकल चुका है खाना और सब्जी है बंदी भाजी। सो अभी गाइस मेरी एक घंटे की मेहनत के बाद फाइनली उधर से मैंने इधर ही ऐसे करके कनेक्शन ला लिया। देन अब फाइनली अब करते हैं फ्रिज को रेफ्रिजरेटर को ऑन। सो अभी गाइस फाइनली जो है रेफ्रिजरेटर अपने स्टार्ट हो चुका है। तो हमको इंस्ट्रक्शन मिला था, मतलब डीलर ने बोला कि शुरू में जब स्टार्ट होगा तो आधा घंटे इसको स्टार्ट रहने दो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो गर्मी है पहले वो बाहर हो जाए, तो इसलिए अभी चालू है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है क्योंकि उसका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो है वर्क पे है ना, तो अभी इसलिए वो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। तो देन अभी हम लोग क्या है नारियल वारियल फोड़ते हैं, मम्मी ने रेडी करके रखा है सब चीज़, तो हल्का से इसका पूजा कर देते हैं। बाय द वे आज अष्टमी है नवरात्रि का, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट पे आ गया हमारा फ्रिज नवरात्रि पे ही। सो बिग गाइस फाइनली अभी जो है ना पूजा हो गया और अभी फ्री हो रहा हूँ मैं, तो अभी तो मेरा और काम बचा है, अब तो वीडियो एडिट करना है और उसको पब्लिश करना है मेरे को, तो अब वीडियो एडिट करने के काम में लगूंगा। फिलहाल तो थोड़ा सा आराम करूंगा, दिन भर से एकदम बिजी था मैं इधर का, दो तीन बार सामान लाने के लिए। फाइनली फ्रिज तो अभी स्टार्ट हो गया है और अभी भी चल रहा है, तो एक्चुअली हमको भी एक्सपीरियंस नहीं है, अब देखते हैं कैसा होता है, तो अभी तो फिलहाल तो शोर किए जा रहा है। सो भी गाइस फाइनली 3:13 टाइम हुआ और आधे घंटे की वेट के बाद ये मशीन जो है बजना बंद हो चुका है, तो स्टार्टिंग में लगते हैं। और बाय द वे अंदर का माहौल अब दिखाऊं तो ये सच में काफ़ी ठंडा हो चुका है। सो भी गाइस शाम के बज रहे 5:30, देन अभी टाइम हो गया जिम जाने का। और बताऊं तो मशीन जो है बीच में बजना बंद हो गया था, फिर उसमें हमने सामान डाले ना, फिर आवाज़ आ रही है, मतलब मशीन का चल रहा है, उसका रेफ्रिजरेशन सर्कल जो है फिर से काम में लग गया। एक्चुअली पूरा सामान डाले ना तो इसको हीट है, तो उसको ठंडा करने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी गाइस मैं हूँ यशवंत के घर पे और डेली का यही रूटीन चलता है, तो यहाँ मैं सबसे पहले यशवंत को पिकअप करता हूँ, देन वो अभी तो फिलहाल रेडी हो रहा है, देन उसके बाद यशवंत और मैं दोनों चलते हैं हम जिम रोज़ इसको पिकअप करने के लिए आता हूँ, छोड़ने के लिए घर तक नहीं बट इसके गाँव तक ज़रूर छोड़ता हूँ, क्योंकि रास्ते में पड़ता है ना इसका गाँव,
मुर्गाहन, फिर उसके बाद सोहेला। हो गया तो यार चल। सो भी गाइस रात के बज रहे हैं 10, देन खाना वाना खा लिए। और बाय द वे ना, मैं आज जिम से उसके बाद लग गया वीडियो एडिट करने में, तो वीडियो मैंने पूरी तरीके से एडिट कर दी। कल सुबह अब उसको अपलोड करूंगा। और बाय द वे बताऊं तो रेफ्रिजरेटर ना मेरा अभी भी जो है आवाज कर रहा है। तो मैं हम लोगों ने कॉल किया था मतलब शॉप वाले डीलर से, तो उन्होंने बोला कि शुरू में आवाज़ करता है थोड़ा सा करके, बाय द वे समय के साथ ये कम हो जाएगा और यूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर क्या है कैसा है क्या। तो इस व्लॉग को फिलहाल से करता हूँ यहीं पर एंड में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय द वे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर और सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना यार, ठीक है, हो सके तो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, है ना। बाय।